जिला ऊना में टीबी के रोगियों को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय सर्वे सोमवार से शुरू हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। सर्वे का शुभारंभ सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल से किया। सोमवार यानी आज से जिला ऊना के पोलियाबीत, रामनगर, झोट, सासन व तेई गाँवों में सबसे पहले सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत 5 टीमें घर घर जाकर टीबी के रोगियों की पहचान करेंगी, ताकि उन्हें सही समय पर इलाज दिया जा सके। इस सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। इस सर्वे का डाटा राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जाएगा, जिसकी जांच कार्य 7 मार्च तक पूरा किया जाना है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया, टीबी के सबसे कम मामलों में ऊना देश भर में 9वें पायदान पर तथा प्रदेश में 3रे स्थान पर है। उन्होंने कहा, इस सर्वे में अगर ऊना में टीबी के मामलों में 20% की गिरावट आती है तो जिला का ब्रॉन्ज मेडल पर दावा बनेगा। उन्होंने जिला ऊना वासियों से इस सर्वेक्षण में सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। जिला ऊना में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब नेशनल वेरिफिकेशन ऑफ टीवी मुक्त जो है सर्वे हो रहा है हमारे, और इसमें जो है हमारी 5 टीमें जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे करेंगी, और टीवी के जो केसेस जो हैं उनके टेस्टिंग होगी और नए टीवी के केसेस निकाले जाएंगे, और उसके आधार पे जो है हमारे पिछले 5 साल में जो है टीवी के केसेस कितने कम हुए हैं, कितनी कमी आई है, उसके ऊपर जो है सर्टिफिकेशन होगी। अगर हमारे 20% से कम हो जाते हैं, 20% कम होते हैं, तो हमारा ब्रॉन्ज मेडल में नंबर आएगा, और 20 से 40% के बीच में अगर होगा तो सिल्वर मेडल, और 40 से ज़्यादा अगर होंगे तो गोल्ड मेडल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। और इसमें जो है बेसिकली जो अच्छे स्टेट परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें से जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं में ये सर्वे किया जा रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जो हैं इसमें नॉमिनेट किए गए हैं, उसमें ऊना एक डिस्ट्रिक्ट है, और ऐसे ही टोटल देश में जो हैं 74 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो नॉमिनेट किए गए हैं और उनमें सर्वे किया जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारा जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है टीवी मुक्त होने के राह पे चल पड़ा है, और हमारी जो है और हमारी टीम के जो अथक प्रयास जो हैं उनकी वजह से हम जो है लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से राजीव भनोट।